Hi everyone, namaste and welcome to my channel. I know it's been so long, but इस बार आई थिंक मैंने कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया है. एंड लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बोला था कि मुझे कुछ बात करनी है, तो काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे. एंड बिकॉज मैं जहाँ ट्रैवल कर रही थी, जहाँ मैं वैकेशन मोड पे थी, वहाँ पे आपके नंबर्स पूरे बंद हो जाते हैं, तो 7-8 दिन मेरे पास मेरा कुछ नंबर एक्सेस नहीं था और मैं इतना यूज़ करना भी नहीं चाह रही थी, बिकॉज मैं चाह रही थी कि ट्रिप पे थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स भी हो जाएगा इस बहाने. तो लास्ट वीडियो में मैं क्या बात करने वाली थी, सबसे पहले मैं आपको वो थोड़ा शेयर कर देती हूँ, कंटेक्स्ट में शेयर कर देती हूँ, उतना सस्पेंस नहीं रखते हैं. तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैं लास्ट मुंबई आई थी ना, लास्ट 2 मंथ से एक्चुअली जनवरी खत्म हुआ, उसके बाद फरवरी पूरा मुझे ऐसा फील हो रहा था दैट आई वॉन्ट टू टेक ब्रेक, और मुझे ब्रेक लेना है. मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा था, और मेरे साथ ऐसा होता है अगर मेरा मन नहीं करता तो मतलब नहीं करता है. सिंस जो लास्ट ईयर जो भी चीजें बैक टू बैक हुई हैं, आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु नेवर सिट्स फ्री. मैं फ्री नहीं बैठती हूँ. अगर मैं वीडियो नहीं भी बना रही हूँ, तो मैंने जब मेरे पापा का सिचुएशन हुआ था, तो आई यूटिलाइज दैट टाइम इन लर्निंग समथिंग, और घुस गई थी मैं बिल्कुल उस पूरे सिनेरियो में, पूरी तरह से घुस चुकी थी मैं जो मैं सीख रही थी. सो अपने टाइम को काफी यूटिलाइज करती हूँ. मुझे पसंद भी नहीं है फ्री रहना, बट मुझे नहीं पता. तो पहले तो मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रही थी व्हाई आई वाज नॉट लाइकिंग, मतलब मुझे क्यों पसंद नहीं आ रहा है काम करना. बहुत पुश भी कर रही थी अपने आप को, बट नहीं हो रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए. तो उस दिन जब मैंने वो जो वीडियो बना रही थी ना, उस दिन मेरे को बहुत ऐसा मेल्टडाउन टाइप का, मेरा मेल्टडाउन नहीं बोलूंगी, बट आई वाज फीलिंग वेरी लो ऑन एनर्जी. सो थैंकफुली उस दिन ये हो गया था कि उस दिन मेरी बात हो गई थी मेरी एक फ्रेंड से. ब्लेस्ड टू हैव सम पीपल इन माई लाइफ जो मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं. तो मैंने सारी जो भी मेरे अंदर फीलिंग हो रहा था, जो भी मुझे लग रहा था, वो सब कुछ मैंने बताया. आई वॉन्टेड समवन जो मेरी बात सुने, एंड उसको बताया कि आई वॉन्टेड टू टेक ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब, व्हाट यू थिंक. देन शी सजेस्टेड मी सम वेरी गुड थिंग्स और समझाया मुझे, और फिर उसके बाद मैं एकदम नॉर्मल हो गई हूँ. सो नाउ आई एम कम्प्लीटली फाइन. अब मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ब्रेक लेना है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ब्रेक हो गया है. सो वेकेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी. हाँ, वैष्णो देवी एंड कश्मीर. तो हमारा बहुत इंस्टेंट प्लान बना है. मैं आई वाज समवन जो होली प्लेसेस को इतना एंजॉय नहीं करते थे. मुझे इससे पहले भी बहुत ऑप्शंस मिले हैं कि वैष्णो देवी जाना है, मेरी मासी वगैरह गए उनके साथ या ऐसा कुछ, बट मैं मना कर देती थी कि यार नहीं, मेरे को नहीं जाना है अभी. बट इस बार पता नहीं क्या हुआ, विक्की ने मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, वैष्णो देवी चलोगी? मैंने बोल दिया चलो चलते हैं, और बिना वो कुछ सेकेंड थॉट दिए तुरंत टिकट्स भी हमको मिल गई, सब कुछ हो गया, अरेंजमेंट हो गया, वहाँ आराम से दर्शन हो गए. वो अभी मैं ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, इस तरीके के दर्शन हुए हैं कि मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कहते हैं ना, आपको जब बुलावा आता है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है देवी से मिलने से. तो बस वैसे ही हमारे साथ सिचुएशन हुई है. एंड यस, अब मैं आपको सारा दिखाऊंगी अपना प्रोसेस. थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग एन आई ऑन मी. बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंटली मैसेजेस कर रहे थे, सब ठीक है घर पे, सब ठीक है, चिंता हो रही है एंड ऑल दैट. सो उसके लिए थैंक यू सो मच. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने फेवरेट 2 प्रोडक्ट्स जो पूरे ट्रिप पे मैंने यूज करे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ. तो हमारा जो मेन पर्पस था ना इस पूरे ट्रिप का, वो था कि सामान हमको कम से कम ले जाना है, क्योंकि ठंड के कपड़े रखने थे तो वैसे ही जगह बहुत ले लेते हैं. एंड दिस इज द ट्रिप जो हमने बहुत बजट में प्लान करी है. हमारा बजट भी बहुत टाइट था, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं साथ में गए थे, मेरा फ्रेंड जवस्वी एंड उसकी वाइफ, तो वो रिसेंटली अभी अपनी पूरी फैमिली के साथ बाली होकर के आए, तो उसका बजट भी थोड़ा टाइट था, बट स्टिल वी मैनेज टू हैव अ वेरी गुड ट्रिप. मैं आपको बताती हूँ मेरे 2 प्रोडक्ट्स जो मैंने इस पूरी ट्रिप में सबसे ज्यादा यूज किया है. मिनिमल मेकअप यूज किया है, जो आप मेरी तरह काफी सारे लोग होंगे, अब तो वैसे भी समर आ गई, जिनको एकदम क्विक एंड हल्का मेकअप चाहिए होगा, जो बहुत लाइट वेट भी हो स्किन पे, फटाफट हो जाए और आपका आपको प्रेजेंटेबल भी दिखाए, राइट. आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू. तो ये है मामा अर्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम विद विटामिन सी एंड हायलुरोनिक एसिड. तो ये बेसिकली टिंटेड सीरम है, आपको इसके अलावा कुछ और लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप चेहरा अपना वॉश करके आओ और इसको लगा लो. सो राइट नाउ आई हैव नॉट अप्लाइड एनीथिंग ऑन माय फेस. मैं आपको इसको लगा के बताती हूँ. इस तरीके की ग्लास बॉटल में आता है विद दिस पंप, तो लगाना काफी इजी हो जाता है इसको. सो ये जो मामाअर्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, हाइड्रेटिंग है एंड मर्ज हो जाता है आपकी स्किन में बहुत ही ज्यादा एफर्टलेसली.
बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपकी सेकेंड स्किन है। ये जो फॉर्मूला है आपको नेचुरल कवरेज प्रोवाइड करता है, ड्यूई ग्लो देता है, साथ ही साथ ऑयल फ्री भी है। सो इट इज एनरिच्ड विद विटामिन सी जो कि आपके फेस को इंस्टेंट ग्लो देता है एंड ब्राइटन अप करता है आपकी स्किन को। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है जो कि डीपली हाइड्रेट करता है स्किन को और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गेटिंग ड्राई एंड पैची पैचेस। ये जो हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम है ये अवेलेबल है 3 शेड्स में, वनीला, पीच एंड हनी। मैं यहाँ पर जो शेड यूज कर रही हूँ दैट इज हनी। दिस इज लुकिंग लाइक माय सेकंड स्किन। बहुत लाइट वेट है, मेरे स्किन पे आराम से बहुत इजीली मर्ज हो गया। ये जो मामाअर्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम है इसके जो की बेनिफिट्स वो है, तो ये नेचुरल ग्लो देता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, नॉन ऑयली है, हाइड्रेटिंग है, वाटर रेजिस्टेंट है, मेड सेफ सर्टिफाइड है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी। लेट मी शेयर यू द स्वॉचेस ऑफ ऑल द 3 शेड्स। तो ये है शेड नंबर 101, ये है 02 और ये है 03। 03 इज़ माय शेड बेसिकली। तो 01 आपको मैं इसको ब्लेंड करके बताती हूँ। कलर थोड़ा लाइट है बट आप ये देखो कि वो ब्लेंड कितना इजीली हो गया है। आपको तीनों शेड्स दिखेंगे, 1, 2 एंड 3। दिस इज माय शेड, ये मेरा शेड है, ये मैंने लगाया है अपने स्किन पे। सो काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। उसके बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस मामाअर्थ का नरिशिंग नेचुरल लिप चीक एंड आई टिंट। ये 3 शेड्स में आता है। आता है ये बीट रेड 01, उसके बाद आता है कोको न्यूट दैट इज 02, रोज पिंक दैट इज 03। तो इसकी पैकेजिंग मैं आपको दिखाती हूँ। क्यूट सा मिरर दिया हुआ है एंड दिस इज द शेड। तो आप यू नो इसको देख करके आराम से लगा सकते हैं। मैं आपका इसको शेड बताती हूँ। टिंट का जो फॉर्मूला है इज अमेजिंग, बिल्डेबल है, कवरेज बहुत अच्छी देता है। तो मैं लिप्स पे आपको लगा के बताती हूँ पहले, फिर मैं चीक पे लगाऊंगी। वेरी वेरी प्रिटी कलर। ये जो कोको न्यूड है ना ये मैं अपने आईलिड पे लगाती हूँ, ऐसे में आपको सारे शेड्स का एक स्वॉच मिल जाएगा। ओके, बहुत लाइट लगाया है मैंने। आई रियली लाइक दिस शेड एज वेल। उसके बाद ये जो बीट रेड है 01, इसको मैं अपने चीक्स पे लगाती हूँ। नाइस। और डार्क चाहिए तो आप और डार्क ले लो, बट आई थिंक दिस इज इनफ फॉर मी। सो इतनी बेसिक से सिर्फ 2 चीजों से आप अपने आप को रेडी कर सकते हो एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मामाअर्थ का नरिशिंग लिप चीक एंड आई टिंट है, ये एक मल्टीपर्पज टिंट है जिसको आप बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हो। बहुत ही एफर्टलेसली स्किन पे ब्लेंड हो जाता है, नेचुरल लुकिंग टिंट देता है जो कि बहुत लंबे समय तक रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ये बिल्कुल एनरिच्ड है विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करता है। जो बीट रेड है इसके अंदर बीट रूट मिला हुआ है विच प्रोवाइड्स एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट। जो कोको न्यूड है इसके अंदर कोको मिला हुआ है विच प्रोवाइड्स यू मॉइस्चराइजेशन। रोज पिंक है इसके अंदर रोज पेटल है विच प्रोवाइड्स यू एंटी एजिंग बेनिफिट्स। इसके जो की बेनिफिट्स हैं, एक तो क्रीमी मैट टेक्सचर है, मेड सेफ सर्टिफाइड है, लॉन्ग लास्टिंग है, इजी टू ब्लेंड है एंड साथ ही साथ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं बोथ आर ब्रिलियंट एंड सेफ टू यूज एवरी डे बिकॉज ये मेड सेफ सर्टिफाइड है। ये प्रूफ होता है कि इनके अंदर कोई भी टॉक्सिन केमिकल्स नहीं है। तो तीनों एक बार शेड्स है ना, इनके मैं आपको स्वॉच बता देती हूँ। ये है 03, 02, 01। अमेजिंग प्रोडक्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगी। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे आपको मिलेगा डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट पर। सो एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम मामाअर्थ, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसके पीछे का पर्पस ये है कि आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ ही साथ आप अर्थ को भी एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एज यू ऑल नो दैट मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट है ये अवेलेबल है अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड नायका और साथ ही साथ मामाअर्थ की वेबसाइट एंड ऐप पर, बट अब ये ऑफलाइन स्टोर्स में भी नियर बाय अवेलेबल है। कभी भी मामाअर्थ का कोई भी स्टोर स्पॉट करे ना नेक्स्ट टाइम मुझे, अगर आप कर चुके हैं तो कमेंट करके बताइएगा और अगर आप करेंगे तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, पैकिंग स्टार्ट करते हैं करना। तो क्योंकि हम लोग कश्मीर भी जाने वाले हैं एंड वी विल वॉक इन टू द स्नो एंड एवरीथिंग, तो हम लोगों ने एक दो लोगों से बात करी जो हमारे फ्रेंड्स पहले होकर के आए हैं। तो वो लोग वही बता रहे थे कि वहाँ के जो बूट्स वगैरह होते हैं वो अच्छे तो होते हैं बट वो समटाइम्स आपको स्लिपरी भी मिल जाते हैं बिकॉज वो तो रेंटेड होते हैं, 100, 150, 200 रुपीज में मिलते हैं। तो उन लोगों ने हमको सजेस्ट किया था कि टू बाय योर ओन शूज। ये मैंने शूज खरीदे हैं, ये ट्रैकिंग शूज हैं और काफी गर्म वगैरह भी करते हैं, तो ये खरीदे विक्की के शूज हैं और ये मेरे शूज हैं। सो ये मेरे को आए हैं 2999 में और जो विमेन शूज हैं वो मिले हैं 2499 में। तो थोड़े एक्सपेंसिव मुझे लग रहे थे बट मैंने बोला चलो ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये कर लेते हैं। मेरा यही कंसर्न था कि उसके बाद हम कहाँ पहनेंगे इनको। सो दीज आर द शूज जो हम लोगों ने लिए हैं। ये तीनों ब्लिस क्लब की पैंट है, एक तो ये पर्पल कलर की
उसके बाद ये कॉटन फ्लेयर पैंट और ये जो ब्लैक मेरा अल्टीमेट फ्लेयर पैंट है वो। साथ में मैं एक ये डेनिम रख रही हूँ, लूज पैटर्न का डेनिम है ये, ताकि मैं इसमें लेयरिंग कर सकूँ। उसके बाद फिर जो मैं रख रही हूँ वो थर्मल रख रही हूँ, ये मेरी मम्मी का थर्मल है, मैं एक ये यूज़ करने वाली हूँ, मैंने कुछ भी नई शॉपिंग नहीं करी है। उसके बाद ये मेरे पापा का थर्मल है जो कि मैं रख रही हूँ, और उसके बाद ये जो पैंट है ये अगेन मेरी मम्मी की है। सो मैंने ना मोस्टली कोशिश कर किया है कि सब चीज़ें बस शूज़ के अलावा शूज़ के अलावा मैंने और कुछ शॉपिंग नहीं करी है अपने पैसों से, कि सब कुछ मैं पुराना ही यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा एक तो वर्थ इट भी नहीं लग रहा था सब अपने मम्मी पापा का मैं थर्मल पहनने वाली हूँ, क्योंकि अंदर तो पहनना है, किसको पता चलेगा कि मेरे पापा का है या किसका है, तो मैं इन लोगों का यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद हमने एक और चीज़, हमने ग्लव्स भी खरीदे थे, डीकैथलन से ही ये परचेस करे थे ग्लव्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। आई एम कीपिंग दिस जैकेट ऑफ माइंड, ये मेरा एक तो ओनली का जैकेट है, बहुत पुराने फॉलोअर पुराने सब्सक्राइबर अगर आप मेरे होंगे ना, तो आई थिंक 2018 या 2019 में ज़ारा पे सेल लगी थी, मार्च या जनवरी की ऐसी कुछ सेल थी, एंड वहाँ से ये जो जैकेट है ना ये मुझे पसंद आया था, बट ये मेरे साइज का नहीं मिला था, ये बहुत अच्छे रेट पे, उस टाइम मैं आपको बताती हूँ, उसमें अभी भी टैग होगा। तो ये है, तो ये 6,000 की जैकेट हमको 3,000 में मिल रही थी, तो विक्की मुझे बोलता है ले लो, तो मैंने बोला मैं लेके क्या करूँगी यार, कहाँ जाऊँगी पहन के, तो विक्की बोलता है अपन कश्मीर जाएंगे तो पहनना, उसने बस ये बोला था, और वो तब से लेकर के अभी 3 साल तक बेड बॉक्स में पड़ी हुई थी, मैंने अपनी मम्मी को दे दिया था, मैंने बोला यार मैं तो कहाँ पहनूंगी, मम्मी आप कॉलेज जाते हो ठंड रहती है तो आप पहना करना, उनने भी नहीं पहनी, ठीक है, वो कहती अरे तो बहुत मोटी जैकेट। तो अब हम फाइनली कश्मीर क्योंकि जा रहे हैं, तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी, इसके टैग वैग सब निकालूंगी। ये मेरा मेकअप का सामान है, उसके बाद आई एम कीपिंग माई पी बडीज विथ मी, ये मेरी लिस्ट है जो मैंने पूरी बनाई थी अपने ट्रैवलिंग के लिए, बिकॉज मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तो ऐसे चेकलिस्ट बनाती हूँ। इज माई पैकिंग, अभी भी काफ़ी जगह है इसमें, ये मेरी जैकेट आ गई, ये जैकेट आ गई, लोअर रख दिए, ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, एक टी शर्ट रखी इन केस अगर ठंड नहीं लगी तो उसके लिए। उसके बाद आते हैं खाने के सामान में, तो ये मेरी मम्मी ने मीठी कुकीज़ बनाए थे और बहुत सारी चीज़ें, मतलब लिटरली खुरमे वुरमे सब कुछ, पता नहीं क्या क्या बनाया था घर का, आटे की बनाई थी कुछ चीज़ें, तो मखाने वगैरह सब मैं लेकर के गई थी। एंड अब हम फटाफट से करते हैं फेस को थोड़ा सा क्लीन, मतलब मुझे अपने जो आईब्रोज हैं देखिए कितने ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं, तो मैं इसको फटाफट से ठीक करती हूँ। मैं रेज़र की हेल्प से इसको वो करूँगी, तो पहले यहाँ पर मैं देखिए हल्का सा कोम कर रही हूँ और देख रही हूँ मुझे कितना कट करना है क्या कट नहीं करना है, बिकॉज मैंने बहुत दिन से कुछ भी आईब्रो शेविंग नहीं करी है। इफ़ यू सी ये नीचे साइड तो मुझे ग्रोथ ही नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि मैंने कभी आईब्रो बनवाई नहीं है तो शायद इसलिए आती भी नहीं है, ऊपर आता है, तो यहाँ पर मैं ऊपर का जो एरिया है ना ये थोड़ा क्लीन करूँगी। हो चुका है मेरा जो आईब्रोज है शेपिंग हो चुकी है। ओके गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, और गेस व्हाट, हमको कौन छोड़ने के लिए आया है, टीनू और सैम तो वो लोग होली के लिए एक्चुअली आ गए हैं, तो अभी तो फेब्रुअरी चल रहा है बट वो होली के बाद नहीं रुकेंगे, इसलिए वो पहले से आ गए दोनों। एंड यस, वही लोग हमको ड्रॉप करने के लिए आए हैं, अभी वो स्टेशन टिकट लेने गए, तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी पहुंच गए हैं, हम लोग भी पहुंच गए हैं, तो नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड। एक बैग ये जा रहा है, एक बैग पीछे जा रहा है और एक और बैग जा रहा है, हालांकि हमने कोशिश करी है ज़्यादा सामान नहीं रखे, बट खाने का सामान बहुत सारा है, वो तो हम लोग रख के लेके जा रहे हैं ताकि बाहर का हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अवॉइड कर सकें। सो यस, अभी यहाँ पर ठंड नहीं है भोपाल में, देखते हैं वहाँ जा करके कैसी ठंड पड़ती है, क्या होता है एंड ऑल दैट, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो। जय माता दी। हम लोग पहुंच गए हैं पंजाब, 24 आवर्स की जर्नी है, तो 24 आवर्स में भी अब कितने देर सोंगे, तो मैं सो ली हूँ और अभी ऐसा नहीं कुछ कर नहीं रहे तो नींद भी नहीं आ रही है। हम आ गए हैं जम्मू, वाओ। ओके गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं कटरा और हमारी ट्रेन 3 घंटे लेट थी। मेरी अश्विनी बोलो जय माता दी, जय माता दी। है वैष्णो देवी, हाँ पहुंच गए हैं, तो एनर्जी बहुत अच्छी हाई आ गई है, हालांकि इतना अच्छे से सो ही नहीं हम लोग, सो नाउ वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। तो ट्रेन में से उतरते से सबसे पहले जो हमको दिखा ना वो वैष्णो देवी का मंदिर दिखा, क्योंकि वो इतनी हाइट पे है कि हर जगह से दिखता है, मतलब लिटरली हर जगह से दिखता है, वो देख के बहुत एनर्जी आ गई थी। फिर ये हमारा होटल है,
सेंटर मेन बिल्कुल मार्केट में है, तो हमारा जब मन करेगा मार्केट आ सकते हैं। ओके गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं हमारे होटल में। ओके गाइस, तो हम लोग हमारे होटल में आ चुके हैं और हमने बहुत फैंसी होटल बुक नहीं किया है क्योंकि यहाँ हम रुक ही नहीं रहे हैं। हम अभी बस एक घंटे के लिए शार वगैरह लेंगे, खाना खाने के लिए फिर बाहर चले जाएंगे और फिर हम चढ़ाईगंज निकल जाएंगे। तो इन शॉर्ट हम हमारा सिर्फ सामान रखने के लिए हमने एक होटल लिया है। तो दो चेयर्स यहाँ पर है, एक उसके बाद बेडरूम है, यहाँ पर वॉशरूम है, यहाँ पर रेडी होने का एरिया दिया गया है, अच्छा खासा मिरर है, स्टोर करने के लिए वार्डरोब दी हुई है, फिर उसके बाद अगेन दो चेयर और एक डबल बेड है। तो हमने एक ही मतलब हम चारों शेयर करने वाले हैं रूम। 800 रुपये में पर डे के हिसाब से हमको ये रेट मिला है, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। तो वी आर सेटिस्फाइड, अच्छा लग रहा है, मतलब क्लीन लीन है। ओके गाइस, तो हम लोगों ने ये ले लिए हैं, सबको मिल गए हैं और काफ़ी जल्दी बहुत फटाक से हो गया, 5 मिनट लगा है हार्डली, क्योंकि हम लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन करवा के रखा था। तो हमारा विक्की एकदम दौड़ दौड़ करके गया और लेकर के आ गया है। बोलो जय माता दी। नहीं बोलो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए वॉक करते हुए। तो काफ़ी बड़ा मार्केट है, हमने मेन मार्केट में लिया था। आपको इस तरीके के फ़ोटो बूथ्स मिलेंगे हर जगह, फिर बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स मिलेंगी। तो हम लोगों ने अवॉइड किया ड्राई फ्रूट्स लेना बिकॉज़ हम लोग ऑलरेडी श्रीनगर जाने वाले हैं, तो हम वहीं से लेंगे। एंड यस, कितने बजे चढ़ाई करने वाले? आई एम रेडी फॉर एनी टाइम। अभी चलना है, अभी चलो। नहीं, 4 बजे चलना, 4 बजे। पर यहाँ रंग उड़ गए हैं, रंग उड़ चुके हैं, रंग बिरंगे इंसान के रंग उड़ गए। सही में, हाँ रंग उड़ गए हैं। एक्चुअली खाना खाने के पहले से हम बहुत एनर्जेटिक थे, खाना खाने के बाद अब ऐसा है कि बस सोना चाहते हैं। बोल जय माता दी, बोल सोया चाप, क्योंकि ये है सोया चाप की दीवानी। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं 2:15 और हम लोग सो के उठे हैं। मतलब अभी हम 2 सो के उठे हैं, एक एक करके वॉशरूम यूज करेंगे और यात्रा के लिए फिर निकलेंगे। थोड़ा सो लिए तो बेटर लग रहा है, और अच्छा हुआ हम लोग थोड़ा सो लिए, बिकॉज ट्रेन में भी सो तो पाए नहीं आप, 24 घंटे बस हिलते रहते हो। बेटर कि रेस्ट ले लिया सबने। ओके गाइस, तो रेडी हो चुके हैं, ये पहना है मैंने एकदम लूज सा ब्लिस क्लब का टी शर्ट पहना है, एंड आई एम वेयरिंग ब्लिस क्लब का पैंट। मैंने बताया था ना, मैं सारे वही लेकर के आई हूँ। और मेरा ये बैग, इसको मैं आगे पीछे सब तरीके से टांग सकती हूँ। दैट्स इट, विक्की चला गया नीचे ऑटो का इंतज़ाम करने, हमारा एक साथी अभी नहा रहा है। ओके गाइस, तो मैं और विक्की तो निकल गए हैं, अभी जवस्वी बचा हुआ है जो हमारे ग्रुप का सबसे लेट मेंबर है। मैंने बोला ना, सारा लेट करने वाले और इम्पंक्चुअल लोग सब मेरे खास लोग ही है। तो यस, फाइनली निकल गए भैया, या निकल गए, ये हमारे लेट भैया निकल गए। सोता है ये ऐसा था कि सोने में इतना मग्न था कि इसको आज मंदिर भी जाना था, इसको भी बाहर निकाला खींच खींच के। तो चढ़ाई करने से पहले हम लोगों ने यहाँ पर 20-20 रुपए की लकड़ी ले ली है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप जाते टाइम उसको रिटर्न भी कर सकते हो, 10 रुपीज़ आपको वापस मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो फाइनली वी आर एंटरिंग, और यहाँ पे जो भी फीलिंग आ रही है ना, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, इतना अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, हम लोगों ने चढ़ाई चालू कर दी है। ओके, तो अभी हवा अच्छी गजब की चल रही है, बिकॉज राइट नाउ इट्स 4:15 इन द मॉर्निंग, तो बहुत अच्छी हवा है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग एक स्टॉप पे रुके थे, शर्मा टी स्टॉल पे खाने पीने, और अब थोड़ी हालत डाउन होते हुए। जय माता दी। कुछ हालत में डाउन, ये अलग जोश में, ये हमारी ये अश्विनी अलग जोश, ये अलग ही जोश में से रेडबुल पी के आई है। चलिए जा रही अकेले, मैं कह रही हूँ अरे भैया, शी इज लीडिंग द वे, शी इज लीडिंग द वे एक्चुअली। मैं लाइक, कब किसको किस टाइप का जोश आ जाए, यू नेवर नो। तो हम लोगों ने जो टाइम चूज़ किया था वो बहुत अच्छा था। आप देखो तो रोड पे बिल्कुल भी रश नहीं है, बिकॉज आते टाइम ना यहाँ पर इतने घोड़े और इतने लोग पालकी आते हैं कि आपको चलने में भी दिक्कत होती ही होती है। एंड हम जब चढ़ाई कर रहे थे, बस थोड़ी देर बाद यहाँ पर लाइट चली गई थी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया था, अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई थी, हमको भी डर लग रहा था बिकॉज एकदम सुनसान अंधेरा हो गया था। एंड अब हम ये पहुँच गए हैं अर्धकुमारी पे। तो अर्धकुमारी से हमने सोचा था कि हम ईवी लेंगे, लेकिन जो ईवी है वो स्टार्ट होगी 8 बजे से, तो अब हम लोग पैदल जा रहे हैं और आज मौसम बहुत ख़राब हो गया है।
मौसम इसलिए आ गई, वही बहुत बड़ी बात, लाइट आ गई। मतलब सोचा जब हमने चढ़ाई करना स्टार्ट करी थी पूरा अंधेरा हो गया था, बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। सबसे अच्छी बात यह है कि बारिश बंद हो गई, बारिश बंद हो गई। ऐसे क्यों चल रहा है? पीछे देखो, बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, डंडे पड़ेंगे नहीं तो, बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी। हाँ ये नमस्ते, बोल जय माता दी। यस ओके, तो एक बार मैं वॉमिट कर चुकी हूँ, तो हम लोग यही हंस रहे थे, मैं अभी फोटो निकलवा रही थी, तो बड़े एक्साइटमेंट मूड में फोटो निकलवा रही थी, तो मैं सोच रही थी ऐसा पोज डालूंगी दैट वंडर लस्ट इन रील्स एक्साइटेड, वंडर लस्ट इन रियलिटी। वाओ, ले अभी देख क्या आ जाती। तो जब सुबह हो गई थी और हम ऊपर काफी चढ़ गए थे, तो बहुत प्यारा प्यारा सीनिक व्यूज आ रहे थे। ओके गाइस, तो अभी हम आधे रास्ते चढ़ गए, 2.5 किलोमीटर बचा हुआ है बस, वो भी चढ़ जाएंगे। अब मौसम थोड़ा बेटर हुआ है, बट अब हवा बहुत ठंडी हो गई है, गाने वाने बज रहे हैं मस्त। अपने साथ खाने पीने की चीज़ें ज़रूर रखिएगा, ऑल्दो आपको खाने पीने की बहुत सारे लोकेशंस पॉइंट्स मिलेंगे, बट स्टिल अपना घर का थोड़ा बहुत रखिए रखिएगा, बिकॉज आपको पता ही नहीं होता है, मेरे को खुद नहीं पता था कि मुझे ऐसे वॉमिट वगैरह कुछ हो जाएगा या ऐसा। मौसम बहुत चेंज हो जाता है, तुरंत चेंज होता है। हम जब उतरे थे तब मौसम बिल्कुल भोपाल जैसा था नॉर्मल, एंड विद इन 2 आवर्स में मौसम एकदम पलटी मार गया था। तो कभी भी मौसम चेंज होता है, कीप वार्म क्लोथ्स विद यू। ओके गाइस, तो अब हालत ख़राब होना स्टार्ट हो गई है अच्छी खासी लेवल पे, तो अभी भी कितना बचा है? किसकी हालत खराब हो रही है? मेरी मेरी और जवस्वी की बस, मैं और मेरा भाई। दिखाओ दिखाओ, वो जा रहा है एक प्राणी और उसकी बीवी पता नहीं कहाँ है आगे। भैया वो तो पता नहीं क्या पावर पैक खा के आई है, सबसे फास्ट चल रही है, बिना थके चल रही है, अलग पावर है उसके अंदर माता जी का, तो वैसा है। बाकी अपन तो भाई बैटरी डाउन हो रही है मेरी, खाते पीते जा रही हूँ मैं। ओके गाइस, तो हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं और बहुत सही दर्शन हुए थे। कैसे दर्शन हुए? दर्शन कैसे हुए तुम्हारे? इसकी आवाज से समझ आ गया वो कैसे दर्शन हुए इसके, बहुत अच्छे हुए, मजेदार दर्शन हुए हैं। तो हमको लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ी, और दूसरी चीज ये कि हमको पंडित जी ने एक एक देवी जी के बारे में बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया और सब बताया, वो सब भी बहुत सही हुआ। और अब बहुत हालत खराब है सबकी, सबसे ज्यादा इसकी, ये दिख रहा है ना ये ब्लू टी शर्ट वाला, ये इसकी सबसे ज्यादा हालत खराब है। तो निकल रहे हैं, उतार करना स्टार्ट करेंगे। यस, जब हम लोग उतर रहे थे तो हम लोग रुकते रुकते गए आराम से बैठते हुए, क्योंकि मतलब उतरते टाइम हमको चढ़ते टाइम 4 आवर्स लगे हैं और उतरते टाइम हमको 6.5 आवर्स लगे हैं, मतलब उतरना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा मुझे। अब ये देखिए आप रश, जिस जगह से हम सुनसान जगह पे चल के आ रहे थे, आते टाइम वहाँ पे इतना रश हो गया था आने जाने दोनों का, और फिर घोड़े आते हैं बीच बीच में, पालकी आती है, तो चढ़ने में थोड़ी मुझे ऐसा लगा कि रात का टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। सबसे बड़ी गलती हमने करी है स्टेयर्स लेकर के शॉर्टकट मारने के चक्कर में, क्योंकि स्टेयर्स लेने के बाद हमारे पैर कांपने लग गए थे, अच्छा खासा चल रहे थे बट शॉर्टकट मारने की चक्कर में ये गलती कर दी। स्टेयर्स कभी मत लीजिएगा, नॉर्मली चलिए। उसके बाद जो सबसे बड़ी नेक्स्ट गलती करी मैंने, ये मसाजर लेकर के, बिकॉज इसके बाद मेरा 2 किलोमीटर चलना दुभर हो गया था, 1 घंटे में मैंने 2 किलोमीटर्स कंप्लीट किया है, बिकॉज मेरे पैर और ज़्यादा जाम हो गए थे ये करवाने के बाद। गाइस, तो हम लोग पिछले 4:30 बजे से हम ऊपर सिर्फ 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर चलना है, नहीं हो पा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ हमें। तो हमारे जो साथ वाले वो तो घोड़े पर उस पर चले गए हैं, ये हमारी गलती हो गई कि हमको भी कर लेना चाहिए था। नहीं भैया, घोड़े पर नहीं बैठ सकते, घोड़ा नहीं, मैं किसी पे बैठूंगी नहीं, बट अब बाप रे बाप हालत इतनी ख़राब होगी कि मतलब सुबह एक तो मैं सोए नहीं है, हम लोग 2-2.5 घंटे सोए, तो वो लोग तो खैर पहुँच गए, हम लोग बचे हुए हैं। अभी ये खा रही हूँ मैं मैगी, और यस देखते हैं अब कितने देर, सिर्फ 2.5 किलोमीटर बचा है, बट अब वो
पैर एकदम जकड़ गए मेरे। ओके गाइस, तो ये था हमारा ट्रिप। बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए थे हम लोगों के। हमने वैष्णो देवी से ही हमारा जो कैब है वो बुक कर लिया था। जम्मू से कटरा से ही हमको एक ड्राइवर मिल गए थे। कटरा से हम डायरेक्टली निकल गए पहलगाम की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वही ट्रिप दिखाने वाली हूँ। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।